तो रोटेशन में हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क वगैरह पे काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इनके साथ एनर्जी की ब्लेंडिंग पे एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक रॉड है, ठीक है, इस तरीके की एक रॉड है हमारे पास, यूं ऐसे, ठीक है ना। ये अपने मिड पॉइंट के अबाउट, जो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से एक एक्सिस ऐसे पास होती है इससे, और ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर सकती है, अपने इस प्लेटफॉर्म के अबाउट रोटेट कर सकती है यहां पे ये। अब आप ये देखिए, अगर ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर सकती है, यू रोटेट कर रही है, तो इस रॉड के बिल्कुल इनिशियल पॉइंट्स पे, यहां पे इस तरीके से दो रिंग्स फंसी हुई हैं, ठीक है, दो रिंग्स फंसी हुई हैं, ठीक। रॉड का मास m और लेंथ l है, और जो रिंग्स हैं उनका मास m नॉट एंड m नॉट है, ठीक है। रिंग को पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं फिलहाल, यहां पे रिंग्स वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी रिंग्स हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ओमेगा से ऐसे घुमाते हैं, यू t इज इक्वल टू जीरो पे इसको ओमेगा से हमने घुमाना शुरू कर दिया ऐसे, तो क्या होगा, रिंग्स धीरे धीरे बाहर की साइड चलेंगी ऐसे 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 करते करते, तो रिंग्स फाइनली यहां पे आ जाएंगी एक टाइम बाद, यहां पे इस जगह पे आ जाएगी रिंग्स, और अब बस वो जंप करने वाली होंगी, यानी कि इससे निकल के बाहर गिरने वाली होंगी, ठीक है ना। तो एट टाइम टी, टाइम टी रिंग्स रीच टू एंड्स, फाइंड ओमेगा ऑफ रॉड जस्ट बिफोर जंपिंग, ठीक है। एक तो ये पूछा गया है, दूसरी चीज क्या पूछी गई है, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रिंग इफ रॉड इज एक्स एक्सिस। अगर रॉड एक्स एक्सिस है तो वेलोसिटी का वेक्टर बताना है रिंग का आफ्टर जंप, जस्ट आफ्टर जंप, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, एक इस तरीके की एक्सिस है, उस पर एक रॉड है, रॉड इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करती है यू, तो जैसे रोटेट करती है रिंग्स धीरे धीरे बाहर की साइड आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो जैसे ही एंड पे पहुंचती है तो जंप करने वाली हो, जंप से जस्ट पहले इस रॉड का नया ओमेगा फाइंड आउट करना है, और जंप के जस्ट बाद एक्स एक्सिस को, रॉड की जो एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस मान के, ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस अज्यूम करके जो रिंग है रिंग की वेलोसिटी का वेक्टर भी बताना है, ठीक है। इसके लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप इसको ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, देखिए कैसे करना है सॉल्व। इस केस में मुझे पता है कि टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है।
ठीक है। तो जंपिंग इज एन इवेंट, तो इवेंट से जस्ट पहले एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होने हैं। तो अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल होगा। यहां पे अगर मैं एल इनिशियल कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 12, इनफैक्ट एम एल स्क्वायर बाई 12 होना चाहिए इनटू ओमेगा, जो कि इनिशियल ओमेगा है। क्यों, जब रिंग बिल्कुल सेंटर के पास है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्जिया इस वक्त जीरो है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये होगा। अब जब रिंग्स जंप करने वाली हैं, ठीक है ना, तब कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एम नॉट मास की रिंग्स है आइडेंटिकल और बिल्कुल एंड पॉइंट पे है, तो एम नॉट इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि दो रिंग्स हैं, ठीक है। ये तो एंगुलर मोमेंटम हुआ, वो सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, और नया वाला ओमेगा डैश, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या हो गई, ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस ये एल स्क्वायर बाई 4 हुआ, 2 से कट के एल स्क्वायर बाई 2 हुआ, तो ये हुआ एम नॉट एल स्क्वायर बाई 2, या फिर आप इसको कह सकते हो 6 बाई 6 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हुआ, एम प्लस 6 एम नॉट इंटू एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा डैश, दिस होल थिंग इंटू ओमेगा डैश इज योर एल फाइनल। अब एल फाइनल और एल इनिशियल बिल्कुल बराबर है, इस चीज को अगर इसमें पुट किया जाए तो अब आप देखिए क्या आएगा, अगर एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल किया जाए यहां पे, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू इनिशियल ओमेगा इज इक्वल टू एम प्लस 6 एम नॉट बाई 12 इंटू एल स्क्वायर इंटू नया वाला ओमेगा डैश, एल स्क्वायर बाई 12 से एल स्क्वायर बाई 12 खत्म, तो यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई आपकी एम बाई एम प्लस 6 एम नॉट इंटू ओमेगा, ये ही आपका एक्चुअल में आंसर भी है, यानी कि इस रॉड की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये होगी जब ये रिंग्स एंड पे पहुंच चुकी होंगी, अभी जंप नहीं किया, ठीक है। अब आप ये देखिए, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है उसको भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो दोनों रिंग्स हैं, ये रिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस तरीके से आ जाएंगी, यूं आती चली जाएंगी बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आ रही है, और यहां तक आते आते कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर ली है इन्होंने, क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन है, और जब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि रॉड की डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिंग बढ़ती चली जाएगी। अब अगर मैं रॉड को यहां पे एक्स एक्सिस ले लेता हूं, मान लीजिए ये हमारी रॉड है, ये यहां पे इसका मतलब एक्सिस है, ये तो मान लीजिए एक्स एक्सिस है, और ये वाली चीज को मान लीजिए आप वाई एक्सिस है, या ये समझ लीजिए रोटेशन का और है। अब अगर मैं इसकी टॉप व्यू देखूं, हम यहां पे इसकी टॉप व्यू बनाते हैं, एक्चुअल में हम यहां पे इसकी टॉप व्यू बनाएंगे, ऐसे नहीं, इसकी टॉप व्यू बना के क्वेश्चन ज्यादा आसान रहेगा। मान लीजिए ये है एक्सिस, दिस इज एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो ये हुई अलोंग द रॉड, ये एक्स एक्सिस हुई, और ये क्या हुई, ये हुई यहां पे वाई एक्सिस। अब रिंग कहां पे है,
रिंग जस्ट यहां पे है, अगर टॉप व्यू बनाई जाए तो रिंग यहां पे है, दूसरी रिंग यहां पे है, ये रिंग इस साइड जंप करने वाली है और ये वाली इस रिंग इस साइड जंप करने वाली है। लेकिन क्या हो रहा है, रॉड तो ऐसे रोटेट कर रही है, किससे, ओमेगा डैश से। तो आप देखो रिंग में एक वेलोसिटी तो इस तरफ होगी वी वन, और रिंग की एक वेलोसिटी इस तरफ भी होगी वी टू, ठीक है ना। तो एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रिंग इज इक्वल टू आ जाएगा वी वन आई प्लस वी टू जे, ये हमारा एक्चुअल में आंसर होना है। तो मेरा पर्पज है वी वन फाइंड आउट करना और वी टू फाइंड आउट करना। वी टू मुझे पता है, वी टू इज सो सिंपल, वी टू इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि एल बाई टू इंटू ओमेगा डैश, तो ये तो मुझे पता है। वी टू क्या है, रिंग की वो वेलोसिटी है जो यहां से है। अब देखिए रिंग क्या अपना एंगुलर मोमेंटम लेके निकलेगी, इधर वाली रिंग भी अपना एंगुलर मोमेंटम लेके निकलेगी, ठीक। लेकिन मुझे ये वाली वेलोसिटी नहीं पता है वी वन, वी वन मेरे को नहीं पता है क्या है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। उसका एक तरीका है हमारे पास, देखिए हम V1 को डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे रिंग बाहर की साइड आएंगी इनकी रेडियस चेंज होती रहेगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदलता रहेगा, तो वेरिएबल फोर्स इनको एक्सेलरेशन दे रहा है, तो उस वेरिएबल फोर्स को फाइंड आउट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए हम क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस करेंगे, हम यहां पर एनर्जी बैलेंस करेंगे, एनर्जी बैलेंस करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे फाइनल स्पीड मिल जाएगी, मुझे फाइनल स्पीड मिल जाएगी। फाइनल स्पीड मतलब वी आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा मुझे, और वी आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर, ये होगा। तो मुझे फाइनली क्या चाहिए, वी वन, तो वी वन क्या हो जाएगा, वी वन हो जाएगा वी आर का स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो हमारे पास यहां से V1 भी आ जाएगा। तो मेरा पर्पज क्या है, एनर्जी बैलेंस करना है। चलिए अब एनर्जी बैलेंस करते हैं, ठीक है। किस तरीके से एनर्जी बैलेंस करना है, जो इनिशियल एनर्जी होगी वही फाइनल एनर्जी होगी। इनिशियल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 बाई टू इंटू एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये रही। अब यहां के बाद देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू क्या होगी, हाफ आई ओमेगा डैश का स्क्वायर, ये तो रॉड की हुई, प्लस जो रिंग है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग मल्टीप्लाई बाई टू, क्योंकि दो रिंग्स हैं और ये आफ्टर जंप है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर जंप, ठीक। तो अब आप ये देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ इंटू आई कितना हो जाएगा, अभी तो ये एम एल स्क्वायर बाई 12 ही रहेगा और ये ओमेगा डैश का स्क्वायर रहेगा, रॉड की अपनी अलग एनर्जी होगी। अब रिंग, रिंग अगर फाइनली वी आर वेलोसिटी से निकल रही है, वी आर वेलोसिटी से निकल रही है, तो वो होगा हाफ मास ऑफ रिंग, रिंग का मास कितना लिया हुआ है हमने, जो इसने रिंग का मास दिया एम नॉट, हाफ एम नॉट इंटू वी आर का स्क्वायर एंड होल मल्टीप्लाई बाई टू, ठीक। अब आप ये देखिए मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू कर दूंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वी आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इससे इसके बाद मैं क्या करूंगा, वी वन की वैल्यू निकालूंगा, और वी वन की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास वी वन की वैल्यू निकल आएगी। और जैसे ही मेरे पास वी वन की वैल्यू निकल आई, मैं वी आर को फिर से लिख दूंगा वी वन इंटू आई प्लस वी टू इंटू जे, ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा फाइनली, क्लियर। इसको आंसर तक सॉल्व करिएगा, ठीक है, ओके।
इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए इस एग्जाम्पल के बाद हम थोड़ा सा एक क्वांटिटी पे कंसंट्रेट करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन होता है कंपैरिजन, ठीक है ना, एक पॉइंट मास में और किसी बॉडी में, ठीक है ना। और कंपैरिजन किस बेसिस पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे, ठीक है ना। देखिए, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है, और हमें उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन पता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके बराबर होगा? एम इंटू के स्क्वायर के। मान लो इसको हम के लिखते हैं, एम इंटू के स्क्वायर होगा। तो के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अब आप वैसे भी देख सकते हो, अगर ये कोई पॉइंट मास है और ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर के है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा? एम के स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कुछ भी चीज है, मान लीजिए कोई डिस्क है, फॉर एग्जाम्पल एक डिस्क है, तो डिस्क होती है ऐसे, अगर डिस्क का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूं इसके अबाउट, ठीक है, मास एम और रेडियस आर है डिस्क की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर बाई टू होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मीनिंग क्या है कि अगर सेम मास का पार्टिकल होता, पॉइंट मास होता, तो कितनी रेडियस पे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता मुझे, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको किससे कंपेयर कर देंगे? आई को सीधे सीधे एम इंटू के स्क्वायर से कंपेयर कर देंगे, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई टू से। तो किसी भी डिस्क की रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी आ जाएगी? आर बाई रूट टू। तो इट्स अ रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ डिस्क, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क। तो किसी भी बॉडी की अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, तो उसको एम के स्क्वायर से कंपेयर कर दीजिए। मान लीजिए सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हो, आप सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर इंटू टू बाई फाइव। इसको एम के स्क्वायर से बराबर कर दीजिए, एम से एम कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? रूट टू बाई फाइव इंटू आर। ये किसी सॉलिड स्फीयर की रेडियस ऑफ गायरेशन हो गई, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी सॉलिड स्फीयर, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। कैलकुलेशन में हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे कभी कभी, ठीक है ना। अब रेडियस ऑफ गायरेशन होने के बाद मैं आपको कुछ और एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं फिर से, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर हम कभी कभी क्या करते हैं, किसी रॉड पे पार्टिकल थ्रो करते हैं, ठीक है, रॉड पे पार्टिकल थ्रो करते हैं, और पार्टिकल थ्रो होने के बाद कभी कभी रॉड से चिपक जाता है या कॉलिजन करके रेस्ट में आ जाता है, उसके बाद हमें रॉड की एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, रोटेशन का टाइम, ये सब निकालना होता है, ठीक है। तो अब उस टाइप के क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले आप इसको अच्छे से नोट करिए। हेलो स्टूडेंट्स, रोटेशन में ही एक बहुत ही काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक होता है, रॉड पार्टिकल प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि एक रॉड पड़ी होती है टेबल पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे, एक पार्टिकल आके उसमें स्ट्राइक करता है, कॉर्नर पे, बीच में या साइड में, किसी भी जगह पे। निकालना होता है ओमेगा, के कोलिजन करने से रॉड जो रोटेट होगी और आगे चलेगी उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका ओमेगा कितना है, ये सब भी फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पर, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। आप देखिएगा, देखिए होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक ये आपके पास टेबल है इस तरीके की,
ये मान लीजिए काफी लंबी टेबल है, यस। इस टेबल पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ये वाला, ये पॉइंट लगाया मैंने जो कि टेबल पे लगा हुआ है, ठीक। अब मेरे पास एक रॉड है एम मास और एल लेंथ की रॉड है मेरे पास। इस रॉड का जो सेंटर है मैं इस पॉइंट के ऊपर प्लेस करके, ठीक है ना, बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर रखता हूं इस रॉड के सेंटर को। ये मैंने एक रॉड रख दी यहां पे और रॉड का सेंटर बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर है जो हमने पिक किया है अभी। ये तो ये वाला पॉइंट अब हमें दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि तो रॉड के नीचे दब गया और टेबल पे लगा हुआ है। तो ये अब हमारा रॉड का सेंटर हो गया। रॉड की लेंथ कितनी है एल, मास कितना है एम। अब एक पार्टिकल आता है इस तरफ से यूं, ठीक, जिसका मास एम नॉट है और वी नॉट वेलोसिटी से आता है इस तरफ, वी नॉट वेलोसिटी से एम नॉट। अब यहां पे दो केसेस बनते हैं। दो केसेस कैसे, कि ये जो पार्टिकल यहां से आ रहा है और इस रखी हुई रॉड पे टकरा रहा है, तो टकराने के बाद ये यहीं पे स्टॉप भी हो सकता है और ये यहीं पे इससे स्टिक भी हो सकता है। अगर ये पार्टिकल इससे टकराने के बाद स्टिक नहीं हुआ और यहीं पे स्टॉप हो गया, ठीक, तो इस रॉड का सेंटर मास इसके सेंटर पे ही रहेगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल इससे टकराने के बाद यहां पे स्टिक हो गया तो इस रॉड और इस पार्टिकल का सेंट्रो मास यहां से शिफ्ट होकर थोड़ा सा यहां पे आ जाएगा और प्रॉब्लम में रेफरेंसेस ही बदल जाएंगे। मुश्किल नहीं होगी, सॉल्व वो भी हो जाएगा। तो पहले हम वो वाला केस करते हैं कि पार्टिकल यहां से टकरा के स्टॉप हो जाता है, ठीक। तो पार्टिकल स्टॉप्स जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ठीक, स्टिक नहीं होता और स्टॉप हो जाता है, ठीक। देखिए होगा क्या, ये पॉइंट मैंने टेबल पे इसलिए पिक किया है क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे यहां पे एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करना पड़ रहा है तो मुझे किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट ही करना पड़ेगा, और जब ये पार्टिकल इस पर टकरा जाएगा तो रॉड तो मूव कर जाएगी। अब मूविंग पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करना इज नॉट अ गुड आइडिया, इसलिए मैंने टेबल पे वो पॉइंट लगाया है। तो कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद हम जो एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करेंगे पार्टिकल का या पूरे सिस्टम का, वो उस पॉइंट के अबाउट होगा जो टेबल पे लगा हुआ है, ना कि रॉड के सेंटर के अबाउट, ठीक। रॉड का सेंटर तो मूव कर जाएगा और मूविंग पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक। चलिए तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम की हम बात करें, तो कॉलिजन से पहले लीनियर मोमेंटम केवल इस पार्टिकल के पास है और वो कितना है एम नॉट इंटू वी नॉट, और किस डायरेक्शन में है वो, इस डायरेक्शन में है। अब जो कॉलिजन हो रही है, कॉलिजन के बाद पार्टिकल टकरा के रुक रहा है, इसमें कुछ ऐसा एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, पार्टिकल रॉड पे लगाएगा और रॉड पार्टिकल पे लगाएगी, जो भी फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, इसलिए लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड, ठीक। तो आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन जब ये रॉड पे हिट होगा, हिट होने के बाद रॉड इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी, कितनी वेलोसिटी से, VCM से, ठीक। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। लेकिन रॉड अगर आगे मूव करना शुरू कर देगी, इस लाइन पे ही मूव करेगी बस आगे, लेकिन मूव करते करते वो रोटेशन भी स्टार्ट कर देगी, यानी कि अभी तो रॉड इस ओरिएंटेशन में थी यूं, यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते रॉड थोड़ी सी एंगल भी ट्रेवल कर लेगी, रॉड जो है वो ऐसी ओरिएंटेशन में हो जाएगी, यानी कि अपनी पुरानी इनिशियल पोजिशन से इतना एंगल ट्रेवल कर लेगी, थोड़ी देर बाद और ज्यादा तिरछी हो जाएगी रॉड, तो थोड़ी देर बाद रॉड ऐसे हो जाएगी, थोड़ा और एंगल ट्रेवल कर लिया इसने, कुछ टाइम के बाद तो रॉड बिल्कुल स्ट्रेट भी हो जाएगी, डेफिनेटली होगी होगी ऐसे, ये ठीक अपनी इनिशियल पोजीशन से इसने पूरा 90 डिग्री ट्रेवल कर लिया है, और अभी और भी रोटेट होती चली जाएगी,
तो इस तरीके से रॉड आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि लीनियर मोशन भी होगा और साथ साथ में ऐसे रोटेशनल मोशन भी होता रहेगा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि जब रॉड 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी, जब रॉड 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी तो यहां से लेके यहां तक की जो ट्रेवल डिस्टेंस है ये डी कितनी होगी और 90 डिग्री ट्रेवल करने में ये टाइम कितना लेगी, यानी कि रॉड 90 डिग्री ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी और रॉड का सेंटर अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पे पहुंच चुका होगा उतने टाइम में। ठीक, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। देखिए, मैंने कंसीडर किया है कि पार्टिकल स्टिक नहीं होता और लीनियर मोमेंटम इसका कंजर्वड है, तो कॉलिजन होने के बाद इसका लीनियर मोमेंटम तो जीरो, क्योंकि तो टकराते स्टॉप हो गया, केवल रॉड के पास लीनियर मोमेंटम होगा और किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी सी एम, रॉड का एम इंटू वी सी एम। तो अब आप ये देखिए, ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया पी इनिशियल और ये क्या हो गया, ये पी फाइनल हो गया, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, यानी कि एम नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एम इंटू वी सी एम। तो यहां से वी सी एम की वैल्यू आ गई एम नॉट बाई एम इंटू वी नॉट, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, यानी कि मुझे इस रॉड के सेंटर की जो आगे की तरफ स्पीड रहेगी वी सी एम वो पता चल गई है। ठीक, क्योंकि सारा का सारा मोमेंटम रॉड ने ले लिया है, पार्टिकल तो रुक गया है, उसका मोमेंटम जीरो हो गया, सारा का सारा मोमेंटम रॉड ने ले लिया। अब रॉड कितनी स्पीड से चल रही है, वी सी एम से। अब रॉड अगर वी सी एम से चल रही है, चलते चलते रोटेट भी हो रही है, रोटेट हो रही है एंगुलर मोमेंटम की वजह से, क्यों, क्योंकि रॉड के सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ एंगुलर मोमेंटम था, मुझे रॉड का सेंटर ऑफ मास नहीं बोलना चाहिए, रॉड के सेंटर ऑफ मास के नीचे जो पॉइंट लगा हुआ है उसके अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना था। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, यानी कि एल इनिशियल, इसके पास तो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था क्योंकि ये तो स्टेशनरी है, कॉलिजन से पहले की बात हो रही है, बिफोर कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम बस इसके पास है, और एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका क्या होता है, एम इंटू वी इंटू आर, यानी कि एम इंटू आर क्रॉस वी, लेकिन यहां पे एम वी वाली लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकल आता है। देखिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ाते हैं और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेना है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस टाइम एम इंटू वी, तो बिफोर कोलिजन पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम हो गया, उसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, इस वेलोसिटी वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे आर होगी, आर की वैल्यू होगी एम नॉट वी नॉट इंटू एल बाई टू, यानी कि ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया इस पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट, और इस रॉड का इस टाइम जीरो है, लेकिन कॉलिजन होने के बाद, कॉलिजन होने के बाद अगर मैं एल फाइनल लिखूं तो पार्टिकल का तो जीरो हो गया, पार्टिकल का कितना हो गया जीरो, तो जितना भी मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम इस रॉड का होगा, रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा आई ओमेगा प्लस एम इंटू आर क्रॉस वी, ये वाला होगा, ये होगा पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अगर इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए, क्यों, क्योंकि कॉलिजन के बाद नेट टॉर्क तो जीरो ही है, कॉलिजन जो ये पार्टिकल पे इस तरफ फोर्स लगा है, रॉड पे इस तरफ फोर्स लगा है, तो उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क सिस्टम पे एक्सटर्नल जीरो है, जो भी टॉर्क है वो इंटरनल है, तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस पॉइंट के अबाउट। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो पार्टिकल का तो जीरो क्योंकि वो तो रुक गया है, केवल रॉड का होगा और रॉड क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, रॉड क्या कर रही है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, दोनों टाइप की मोशन कर रही है, तो एक तो एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन की वजह से होगा, दूसरा एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होगा।
अब जो ये रॉड रोटेशनल मोशन कर रही है, इस रोटेशनल मोशन की वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, और जो ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है उसकी वजह से एम इंटू आर क्रॉस वी होता है। अब आप ये देखिए, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की ये वाली टर्म लिख रहे हैं, जब ये वाली रॉड ऐसे मूव करेगी तो इसके लीनियर मोमेंटम वाली लाइन इसी पॉइंट से पास हो जाएगी, तो इस आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो यहां पे ये वाली टर्म जीरो होगी, यानी कि जीरो प्लस आई ओमेगा प्लस जीरो, यानी कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल कितना है यहां पे? एम इंटू वी नॉट इंटू एल बाई टू, एम नॉट वी नॉट इंटू एल बाई टू, और एल फाइनल कितना है? आई ओमेगा। आई कितना है? एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है? जिससे ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक। एम एल स्क्वायर बाई 12, देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेना पड़ेगा। तो यहां से ये एम नॉट, ये वी नॉट, ये एल बाई टू, ये एल स्क्वायर बाई 12, टू से ये कट के कितना आ गया? 6। इस एल से ये वाला एल कैंसिल हो गया, बाकी और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो 6 एम नॉट वी नॉट बाई एम एल इज इक्वल टू ओमेगा। ये आपके पास ओमेगा आ गया है, ठीक है, ये आपके पास ओमेगा आ गया है यहां पे। अब आप ये देखिए, इसको 90 डिग्री रोटेट होने में टाइम कितना लगेगा? अगर मुझे टाइम निकालना है कितनी देर का 90 डिग्री रोटेट होने का, तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चाहते हो आप? पाई बाई 2, ठीक। ओमेगा कितना है आपका? 6 एम नॉट वी नॉट बाई एम एल। तो टी 90 डिग्री रोटेट होने का टाइम होगा पाई एम एल ओवर 12 एम नॉट वी नॉट। ये आपके पास आ गया है। अब इतना तो टाइम आ गया है, ठीक। डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? वो होगी टाइम इंटू वेलोसिटी। तो डिस्टेंस डी की वैल्यू हो जाएगी वी सी एम मल्टीप्लाई बाई टी 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं डी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वी सी एम कितना आ रखा है यहां पे? एम नॉट बाई एम इंटू वी नॉट इज वी सी एम, और टी नॉट कितना हो गया? पाई एम एल बाई 12 एम नॉट वी नॉट। अब आप देखिए, इस वाले एम से ये वाला एम कैंसिल, इस वाले एम नॉट से ये वाला एम नॉट कैंसिल, इस वाले वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई पाई एल अपॉन 12, जो कि बिल्कुल सही आंसर है एकदम, ठीक है। यानी कि ये वाली रॉड इतने टाइम में, जितने में 90 डिग्री घूमेगी, उतनी देर में इसका सेंटर यहां से यहां पाई एल बाई 12 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है, हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। 90 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा ये रखा हुआ, एक आंसर तो ये हुआ और दूसरा आंसर ये हुआ, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे।